लखीमपुर खीरी में हुई घटना दिनांक 24/4/2023 की रात्रि में सभी करीब 1:30 बजे हेड कांस्टेबल अनिल सिंह चौहान व कांस्टेबल राहुल कुमार कोबरा फर्स्ट मोबाइल में गश्त ड्यूटी पर थे कि लोधियाई मोड़ के पास 3 अज्ञात व्यक्ति सावन ऑटो दुकान के पास संदिग्ध हाल में चोरी का प्रयास करते दिखाई दिए, जिनमें से एक को हेड कांस्टेबल अनिल सिंह चौहान ने पकड़ लिया, जिसके दूसरे साथी अवैध शस्त्र से अनिल सिंह चौहान पर फायर कर दिया, जिससे अनिल सिंह के बाएं कंधे पर कलाई में गोली लग गई। उक्त घटना के संबंध में थाना मेगलगंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बदमाशों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है। मुखबिर की सूचना पर मखानलाल चौराहे से केमरहा जाने वाले मार्ग पर परसेरा मोड़ से अभियुक्तों के मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। रात की घटना हुई थी, जिसमें रात्रि गश्त के दौरान हमारे हेड कांस्टेबल अनिल कुमार चौहान और राहुल गश्त में थे थाना मैगलगंज में, और पीके ड्यूटी में पीआरडी होमगार्ड के जवान थे। पीआरडी होमगार्ड के जवान और हमारे हेड कांस्टेबल ने देखा कि एक घर में चोरी का प्रयास किया जा रहा है, तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको अनिल द्वारा पकड़ लिया गया एक अभियुक्त को, जिसके बाद में पहचान रवि गुप्ता के रूप में हुई है। रवि गुप्ता को छुड़ाने के लिए उसके भाई शैलेश गुप्ता ने वापस आके जो भाग चुका था गोली मारा, गोली हमारे एक कांस्टेबल कंधे में लगी। एक दूसरा जो हमारा कांस्टेबल राहुल था वो अन्य अभियुक्त कांस्टेबल के पीछे भाग रहा था, जब उसने गोली की आवाज़ सुनी तो वो भी भाग के आया, देखा कि गोली हेड कांस्टेबल लग गई है। तत्काल उन्होंने साहस का परिचय देते हुए थाना प्रभारी को बताया और सही समय में इसको CSC इलाज के लिए भेजा, जहाँ उसकी तत्काल इलाज शुरुआत हो गई। जैसे ये सूचना हम लोगों को हुई, तत्काल कार्रवाई हुई, घेराबंदी किया गया, क्योंकि अपराधी आसपास के ही थे और इनकी आपराधिक छवि बहुत ज़्यादा थी। ये तत्काल अंडरग्राउंड हो गए और इन्होंने अपनी गतिविधि को इतनी सरलता से छिपाए रखा ताकि किसी को इससे संदेह ना हो। इसमें SHO मैगलगंज विवेक द्वारा और उसकी टीम द्वारा कड़ी मेहनत की गई है और सर्विलांस के रूप में जब मदद जब देखा गया उसकी घटना में और इनके मोबाइल में जब ट्रेस किया गया तो देखा गया कि ये घटना के दिन भी काफ़ी बातचीत कर रहे थे और घटना के बाद इनके द्वारा काफ़ी नंबर चेंज किया गया, नंबर बोर्ड भी कराया गया। हमारे हेड कांस्टेबल काफ़ी दिन तक बीमार रहे और वो बोलने की स्थिति में नहीं थे। बाद में जब इंस्टाग्राम में इनके फोटो, जिसमें उन्होंने खुद अपने आप को शूटर के रूप में, हथियारा के रूप में और खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया है दुर्दांत अपराधी के रूप में होता हुआ, जब उनको दिखाया गया तो तत्काल ही हमारे हेड कांस्टेबल ने इसकी पहचान कर ली। अन्य अभियुक्त के बारे में जब ट्रेस हुए तो हमारे होमगार्ड और PRD और राहुल ने भी इसकी शिकायत की कि यहाँ ये सब लोगों के द्वारा इनकी कार्रवाई की गई। पूछताछ के बाद बाकी जो हमारे जो प्रक्रिया होती है तब ये चीज़ें खुलने लगी कि इनके द्वारा पहले एक चोरी की गई, चोरी वाले स्थान से ही एक सरिया बरामद हुआ, यहाँ से अन्य जगह ये चोरी का प्रयास कर रहे थे और वहाँ पर इन्होंने चोरी को अंजाम दे ही रहे थे कि हमारे वीर सिपाहियों के द्वारा हेड कांस्टेबल को पकड़ लिया गया और चोरी को विफल भी कर दिया गया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ये शैलेश गुप्ता की छवि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और कुछ दिन पहले इसे हम लोगों ने आम तक में भेजा था और कई बार ये साथी इतने थे कि कई मामलों में ये बहुत ही कुशलता से छूट जाते थे और आज हम लोगों ने इसको पकड़ा है, इसके भाई को वांछित किए हैं, जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। पूरी टीम ने पूरी कैदी मेहनत लगी, ये मैं स्वीकार करता हूँ कि इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन पूरी तरह सफल खुलासा किया जा रहा है और हम लोगों ने टीम के उत्साहवर्धन के लिए 25,000 का इनाम की घोषणा की है। मैं इस घटनाक्रम को स्वयं मॉनिटर कर रहा था, हमारे सिविल मॉनिटर कर रहे थे और इसमें सजा की कार्रवाई करने के लिए तत्काल ही 10 दिन के अंदर इसे बताया गया चार्जशीट फ्रेम किया जाएगा और इसके चार्ज फ्रेम करा के जल्द से जल्द इसे खरीद इसको सजा दिलाने के लिए पैरवी की जाएगी और इसके नोडल के रूप में एडिशनल SP स्वयं इसको मॉनिटर करते हैं।